अमोगा जिले के जंगलों से नक्सलियों का सफाया, सरकार ने भेजी 2 जिलों में बटालियन, मंडला में होगा हेडक्वार्टर। सरकारी कर्मचारियों ने की अनिश्चितकालीन हड़ताल, मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। और कृषि बिल के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 6 को आंदोलन। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रभावित क्षेत्र होने से नक्सली अपनी पैठ जमाना शुरू कर देते हैं, लेकिन पुलिस जवानों के द्वारा लगातार सर्चिंग कर उनके मंसूबे पर पानी फेरा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अब केंद्र सरकार के द्वारा नक्सलियों पर रोक लगाने के लिए 2 आदिवासी बाहुल्य जिलों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती पूरी कर ली गई है, जिसमें बालाघाट जिले में 1 बटालियन पहुंच चुकी है। वहीं मंडला में भी 1 बटालियन है। ये दोनों जिले पड़ोसी नक्सल प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़ से लगे हुए हैं। इन दोनों ही जिलों में अर्धसैनिक बल की 6 कंपनियों को तैनात किया जाएगा। वहीं मंडला में इन कंपनियों का हेडक्वार्टर होगा। इस संबंध में पुलिस महानिरीक्षक KP वेंकटेश्वर राव ने बताया कि बालाघाट में 1 बटालियन आ चुकी है और मंडला में इसका हेडक्वार्टर बनाया जाएगा, जिससे नक्सलियों पर अंकुश लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश सहकारी कर्मचारी महासंघ के जिला इकाई बालाघाट के द्वारा प्रांतीय आवाहन पर अपनी लंबित मांगों को लेकर आज से जनपद पंचायत कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ कर दी गई। सहकारी कर्मचारियों ने 1 फरवरी को मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप अनिश्चितकालीन हड़ताल किए जाने की चेतावनी दी थी। बताया जा रहा है कि 1 माह पूर्व से महासंघ के द्वारा मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने की मांग की जा रही थी, लेकिन सरकार द्वारा मांगों पर कोई अमल नहीं किया जा रहा। झूसने वाला यह सहकारिता का कर्मचारी आत्मसमर्पण की जैसे इनने एक अपनी नैतिकता के साथ, जिम्मेदारी के साथ हमारे साथियों ने काम किया। कई साथी हमारे शहीद हो गए और कई साथियों के 1 या 2 दिन बड़े 2 पल बचे हुए हैं। फिर भी अभी तक यूनियन के साथ रहते रहते कांधे से कांधा लड़ाते हुए सरकार को अपनी योजनाओं को अपने मानव मनवाने के लिए निरंतर उनके वोट न लेंगे, फिर भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि बिल के विरोध में किसानों का आंदोलन थम नहीं रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 6 फरवरी को कृषि कानून के विरोध में नगर के कालीपुतली चौक में धरना आंदोलन किया जाएगा, जिसका निर्णय 4 फरवरी को स्थानीय आम्बेडकर चौक पर स्थित उद्यान में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आयोजित कर निर्णय लिया गया। यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं, कोई धर्म जाति या किसी दल का नहीं है, सबके सब किसान बैठे हैं। सबके सब लोगों ने ये मिलकर तय किया है कि 6 तारीख को सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कालीपुतली चौक में 2-3 घंटे का धरना और अपनी अपनी बात रखकर सरकार के खिलाफ, काले कानूनों के खिलाफ और किसानों के समर्थन में और किसानों के साथ जो छलावा सरकार कर रही है, सरकार जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को, अंबानी अदानियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है, किसानों को कुचलने का काम कर रही है, किसान की जरा सी मांग जो समर्थन मूल्य में किसान चाहता है कि हमारी फसल, चाहे धान हो, गेहूं हो, मक्का हो, ज्वार हो, बाजरा हो, जो भी किसान पकाता है उसका सबका समर्थन मूल्य उनको मिलना चाहिए। और फिर चाहे हम धान अपने फसल को सरकारी मंडी में बेचें या प्राइवेट मंडी में बेचें या जहाँ किसी भी जगह उसको खरीदी जाए, वो समर्थन मूल्य से कम में ना बिके, यही मांग हमारी आज भी है उन किसानों के साथ। इसके पहले भी हमारी ये मांग रही है और उसी को लेकर फिर 6 तारीख को हम एक धरना आंदोलन कालीपुतली चौक में करने जा रहे हैं। लालबर्रा मुख्यालय में स्थित उत्कृष्ट स्कूल मैदान में फाइटर 11 के तत्वाधान में स्वर्गीय निहाल सहारी की स्मृति में लालबर्रा प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ 20 जनवरी से किया गया था, जिसका फाइनल मुकाबला 3 फरवरी को फाइटर 11 लालबर्रा और कमरिया टाइटंस के बीच बेस्ट ऑफ 3 का खेला गया, जिसमें फाइटर 11 लालबर्रा ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए लालबर्रा प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम किया। समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य झाम सिंह नागेश्वर, जनपद सदस्य किशोर पालीवाल, भाजपा मंडल महामंत्री प्रसन्न अवधिया और अन्य जनप्रतिनिधियों उपस्थिति में विजेता टीम को पुरस्कृत किया गया। बुलेटिन वक्त चला, छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हर घूट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर, आयो और अमृत हर्बल टी अपनाइए जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयो और अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। लालबर्रा में मंडी प्रांगण में स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण महासंपर्क अभियान और निधि समर्पण संग्रह अभियान कार्यालय से
3 फरवरी को दोपहर 12 बजे विशाल भगवा बाइक रैली निकाली गई, जिसमें नगर का भ्रमण किया गया। इस रैली में राम भक्तों ने लाल बर्रा खंड में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण जनजागरण के लिए विशाल बाइक रैली का आयोजन किया। दो फरवरी को राष्ट्रीय बजरंग दल बालाघाट के भरवेली प्रखंड कार्यकारिणी की बैठक स्थानीय भरवेली के राम मंदिर में रखी गई। आगामी कार्यक्रमों को लेकर जिले भर से आए हुए समस्त कार्यकर्ताओं और सदस्यों के बीच विचार विमर्श के बाद कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष विवेक शिववंशी, जिला महामंत्री सितेश ब्रह्मी की अनुशंसा से हिम्मत बसेने को जिला मंत्री राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रभार सौंपा गया। 60 से 70 युवाओं ने हमारे छोटे भाई हिम्मत बसेने जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय बजरंग दल के सदस्यता की सदस्यता ग्रहण की। कार्यकारिणी का विस्तार प्रखंड का भरवेली प्रखंड का किया गया, जिसमें कार्यकारिणी विस्तार के रूप में भाई आकाश बंसपाल जी, जिनको प्रखंड महामंत्री भरवेली प्रखंड में प्रखंड महामंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। गौरव मेहता जी, आपको ब्लॉक उपाध्यक्ष बालाघाट ब्लॉक के रूप में नियुक्त किया गया। दीपक मरार जी, आपको बालाघाट ब्लॉक का ब्लॉक महामंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। राज सोनी, आपको प्रखंड अध्यक्ष भरवेली को, जो एक प्रखंड माना जाता है, जिसे जिसमें लगभग हम लोग 6 से 7 ग्राम पंचायतें हम लोग उसमें इंक्लूड करते हैं, मतलब एक साथ 5 से 6 ग्राम पंचायतों का जिनमें समावेश होता है, उसे प्रखंड कहा जाता है। राज सोनी को प्रखंड अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अंकित गांधरे, आपको प्रखंड गौरक्षा प्रमुख बनाया गया है। विशाल नारे जी को प्रखंड उपाध्यक्ष, भाई ऋषभ नागेश्वर जी को ब्लॉक मंत्री बालाघाट ब्लॉक, राहुल सोनवीर से प्रखंड उपाध्यक्ष और राकेश बाहेश्वर आपको प्रखंड मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। आगामी चंद दिनों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी का बालाघाट आगमन है, जिसको लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल लगातार जिले के 10 ब्लॉक और 6 विधानसभाओं में भ्रमण कर अपनी कार्यकारिणी का विस्तार कर रहा है। वारासिवनी में ट्रैक्टर यूनियन के रोजगार उपलब्ध न होने को लेकर आज से 8 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके कारण नगर में चल रहे निर्माण कार्य पूरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। वहीं यूनियन के पदाधिकारी और सदस्य नगर में घूम घूम कर ट्रैक्टर न चलाने की अपील करते देखे जा रहे हैं। यूनियन अध्यक्ष ने बताया कि ट्रैक्टर मालिकों के पास कोई काम न होने के कारण सभी ट्रैक्टर मालिक परेशान हैं। वहीं रेत, मिट्टी, मुरम, ईंट सहित अन्य सामग्री के परिवहन दरें कम होने के कारण कुछ नहीं बच पाया है। की तरफ से निर्णय लिया गया कि वारासिवनी में जो रेत है 1200 रुपये रॉयल्टी प्लस 800 रुपये भाड़ा 2000 रुपये में गिर रही है, और 2000 रुपये में गिरने के कारण रेत महंगी होने से बैलगाड़ी वाले यहाँ जो रेट डाल रहे हैं उनको 1000 रुपये ट्राली में रेत में कस्टमर तक ले हैं, करीब 90-100 ट्रैक्टर वाले ये लोग आज की स्थिति में बेरोजगारी की कगार पर हैं, और इनके कई लोगों के ट्रैक्टर भी खींचने की स्थिति में हैं जो किस्त नहीं पटा पा रहे हैं। हम लोग ठेकेदार से यही आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि रॉयल्टी, रेत की रॉयल्टी कम की जाए, और यहाँ पर जो बैलगाड़ियों से रेत परिवहन किया जा रहा है इस परिवहन को रोका जाए, या फिर उसके एवज में उनसे भी रॉयल्टी ली जाए बैलगाड़ी वालों से। कौन लेगा रॉयल्टी? ठेकेदार। कोई डंपिंग रेट बढ़ाने की मांग है? हाँ, डीजल महंगा हो जाने की वजह से कार्टिंग चार्ज नहीं पूरा रहा है। नहीं पूरा रहा है, आप इस बात को मानते हैं? और जो वारासिवनी ट्रैक्टर यूनियन है उनके साथ में है आप? हाँ, उनके हड़ताल में आप भी शामिल हैं? बिल्कुल शामिल। आपके कितने सदस्य हैं यहाँ पर ट्रैक्टर वालों? मेरे पास 24 गाड़ी सर, कोली वाला 24 गाड़ी, यानी वो आज से काम बंद कर देंगे। लालबर्रा पांडरवानी स्थित गार्डन के तालाब के जलस्तर को बनाए रखने के लिए पांडरवानी सरपंच अनीस खान, सचिव केशव मोहबे, रोजगार सहायक कृष्णा पंचेश्वर द्वारा लालबर्रा विकासखंड स्थित टेकाड़ी जलाशय से विधिवत शुल्क जमा कर टेकाड़ी का पानी लालबर्रा गार्डन स्थित तालाब में लाकर घटते जलस्तर को बनाए रखने का अनोखा प्रयास किया गया है। टेकाड़ी तालाब से लगभग 2 से 3 फीट पानी भर गया है, इस तरह अब तालाब में कुल 11 फीट पानी संग्रहित हो चुका है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुरूप जिले की शासकीय भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में 4 फरवरी को कलेक्टर दीपक आर्य और पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के मार्गदर्शन में राजस्व और पुलिस विभाग के अमले ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए ग्राम हट्टा में सामुदायिक भवन के सामने 9 लोगों द्वारा 20,000 वर्ग फीट शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को सख्ती से हटा दिया। अतिक्रमण से मुक्त कराई गई शासकीय भूमि की कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।